माजरत खां। की गले आवाज नहीं आती। ऊंचा बोल, थोड़ा ऊंचा बोल। क्या खी जिन्ना उन्या तुसे नाल हाथापाई कीती है उन्ना कोलो जिशान सरे बाजार माफी मंगी है। जिशान दा ते कोई गता पता नहीं प्रोफेसर साहब। ते इकबाल कित्थे? इकबाल ओ ते आकी ग्राउंड गया मेरे ख्याल में। बस हुणे आने वाला सी। पक्की खबर है उठ ही गया। चलो आज मैं उसकी सारी बदमाशी कर दिया। तुसा उस बंदे कोलो इस तरह माफी मंगने ते किस मजबूर कीते? मेरे वालिद साहब। प्रोफेसर साहब, जीशान सारी दुनिया से फरिश्ता बने दा फिरदा रहना है, पर मजाल है मेरी कोई गल नसीहत कना ते रखे। मगर जिस तरह तुसा उस कोलो माफी मंगवाई है वो अच्छा नहीं लग्या। ये बहुत जरूरी है प्रोफेसर साहब, वरना कोई यो नवा गुल खिलावे। इकबाल है किसी मार छोड़े। मार छोड़े? क्या बकवास करते? हालत के जी इकबाल दी जरा कुछ अच्छी नहीं। भैया के वे यार इकबाल अकी रोन बिच गेद आया ते थे उसका शोकी राजा दे बंदे नाल झगड़ा हो गया। शोकी शोकी राजा आज के दिन शोकी दा बंदोबस्त ना कीता ना ते साडे जीने दा कोई फायदा नहीं। मैं अपने यार दा बदला ना कहना। इकबाल इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जूसी। हाँ इंशाल्लाह तो चल ठीक हो जूसी। की गलत कीता उसने? और मैं उसा कितनी फार मना कीता है उना लोफना दी दोस्ती तो फिर उसा उसा की लोड़ ही अस्पताल जोल के उसते सराने बैठनी दी। प्लीज तुसी और रोना दुए मरीज भी डिस्टर्ब होंदे ने। तू जुलकार तू सारी राती जागदा रहे सेहत ते असर पैंदा है। तू पुत्र जुल तू जी शान साहब की वजह नाल उसे भी चो उसकी वजह नाल गुस्सा क्यों ओ मेरा के लगदा है बाल इस संगत तो मैं मना कीता आया। जानल चंदारी ते रखनी पैंदी है ना। इफत बेगम तू इस वेले खामोश रह ते ज्यादा बेहतर है। अगर तुसा किसी ते कोई शक है ते मैं दसो। पहले ते अल्लाह दा शुक्र है कि जिशान साहब दे दोस्त ठीक हो गए। जे ठीक किथे होए बीबी जी? पीरू तेरा काम टाइम होते अकबर चाचे इतला करना है। बेफिक्र रहो रे जिशान बाबू, पीरू कदे कच्चे काम नहीं कीते। गलती दी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी पीरू। मारो ऐसा हो माना मार के तुझके समझे गल मुक गई है। क्यों हो गया जी? ये पूछ की नहीं होया तेरा लाडला जिशान शानू भाई बढ़ने वाला है। अखबार में खबर छपी है शहर दे मशहूर बदमाश शोकी राजे हैं पत्ता मंगने की वजह तो मार मार के अदमवा कर छोड़े। मेरी भी मजबूरी है मां भी राजा साहब अचुल के जवाब देना पड़े। समझ आई? तेरे बड़ी आकड़ है ना, तेरे बड़ी आकड़ है। यकीन रख अख्तर नु सख्त इंक्वायरी का सामना करना पैसी। अल्लाह करे सर जी इस तरह होवे, लेकिन कदे सुने नहीं न कदे देखे। देख जब तक साबित नहीं होता उस वेले तक इल्जाम है। और एक गल और भी याद रख रुस्तम, महकमे उत्ते इल्जाम लगाने का भी खमियाजा भुगतना पै सकता तेन। उसने दोस्त आते ने कि वो थाने बेच ते मैं थाने बेच भी जुल के पता करवाया उते भी नहीं। हाय अल्लाह इतनी बड़ी गल हो गई है ते असा खबर ही कोई नहीं। रुस्तम तू खुल के गल कर तेन कोई खतरा नहीं है। और तो कोई नहीं, अलबत्ता पुलिस आ पुलिस को लो खतरा हो सकता है। क्या मतलब? सर जी तुसा दे इलाके विच इंस्पेक्टर अख्तर ने अपनी जाती जेल बनाई थी। सर
बड़े अफसोस की गल है अख्तर, मैं तेरे से यह उम्मीद नहीं कि तू इस हद तक चला जैसे। वैसे सर तुस भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इंस्पेक्टर साहब की हुक्म की तामील की है। हाँ हाँ हाँ, तू तो छोटा जा काका है ना, तेन पता ही नहीं है, तेरे ते अपना अकल है ही नहीं है। कितनी सर्विस होगी तेरे इस डिपार्टमेंट से, तेरे जे लोगों की वजह से पुलिस बदनाम होती है। तेन इंस्पेक्टर कहे कि डाका मार, तू डाका मार से खूह छाल मार, तू खूह छाल मार से, शर्म कर। अरे सर लै जाओ इन्हों, इंक्वायरी कर रहे सब कुछ सामने आ जाए, उस लड़के ने भी भेजो। जी सर। फिक्र ना कर, तेरे नाल इंसाफ होसी। हुण साडे वास्ते की हुकम है सर जी? उस तों अगर तू चाहे तो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता। सर जी हुण असां इजाजत दो, मैं सोच के फिर दसा। अल्लाह हाफिज। सर शहजादे अब्बा जी, तुसी हमेशा मैं डांटते रहते हो, मैं कदे तुसां परेशानी दीती है। देखो मैं थोड़िया हमेशा थोड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखता रहना, और अज एक मैं तुसां दी काफ़ी देर दी जिहड़ी ख्वाहिश है ना, वो पूरी करना। ओ अब्बा जी देखो, मैं शादी करना चाहना। जी हाँ जी 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 अब्बा जी, बस अब्बा जी जी हाँ अब्बा जी, वो थी जी हाँ बिल्कुल अब्बा जी, मैं बस जल्द से जल्द शादी करना चाहना, तुसी सिर्फ इजाजत दो, तुसां दियां दुआवां मेरे नाल रहन ते अब्बा जी बस। हाँ जी ठीक है अब्बा जी, ठीक है। हाँ हाँ देखो मैं तो बाकी सारी टक्कामारी छोड़ दीती है अब्बा जी, लेकिन देखो ये तो साड़ी ख्वाहिश है, बड़े अरसे की ख्वाहिश है कि तू शादी कर गए, तो आज तुसा की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं अब्बा जी, बस सिर्फ तुसी इजाजत चाहते हो। जी हाँ जी हाँ, वो कुड़ी टीचर है। जी हाँ वो हाँ अब्बा जी, वो टीचर है, स्कूल भी टीचर है, तो बड़ी खूबसूरत कुड़ी है, बड़ी अच्छी कुड़ी है। ठीक है अब्बा जी, ठीक है ठीक है, बड़ी 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 मेहरबानी। पर खुदा उठे ही रुक चल, मेरा बच्चा आ गया। हाँ मेरा बच्चा। अम्मा तुसी ठीक हो? तू तो मैं क्या किया, मैं तो आ गया ना, आज तो बाद इस घर में तेरे वास्ते कोई जगह नहीं। क्यों जगह नहीं, मैं सारी जिंदगी ना बोली, लेकिन आज मैं जरूर बोल सा। बोल इफ़त बेगम, मैं भी देखता तू कितना बोल दी है। ना अम्मा जी तुसी ना बोले हो, तो दा मैं क्या है, तेरे वास्ते असी मर गया, आज तो बाद तू असा वास्ते मर गया। ਕੀ ਬਿਆਹਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਫਤ ਬੇਗਮ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜੁਲ। ਨਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਜੁਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ,
मैं मर गया। बच्चा ख्वाब देखना कोई बुरी गल नहीं, पर दिहाड़ी की लोई दे जागदे ख्वाब देखना ये बड़ी अजीब गल है। बाबा जी मैं ख्वाब ना देख दे, मेरे ख्वाब तुसां तो शुरू होंदे न ते तुसां तो खत्म। तो मेरा बच्चा तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। बाबा जी तुसी समझदे नहीं हो, तुसां कोल किस शय दी कमी है। रेहान पुत्र मेरी नरमी जाए मतलब नहीं कि तू मेरा मजाक उठाएं। बाबा जी मैं तुसा मजाक उठावा, इसको पहले मैं मरना जो ना कर लीजिए गल करके मां रुआसी। बाबा जी गल तो दसो, असल हकीकत की है। वक्त आया तो दस और सा चल बछोड़ तू कमी मुका। अरे बाबा जी जीशान का कुछ पता चला वे? हाँ बेगम पता चले, मगर जिशान बेटे ने मुलाकात नहीं होगी। क्यों वो थाने बीच नहीं? ना बेटा ना, थाने में पता चले है कि इंस्पेक्टर सन उसको गैर कानूनी तौर पर थाने च रखे दा सा। अलबत्ता उत्था दा जड़ा एसपी है ना वो बहुत अच्छा आदमी है। फिर के वो इस जुर्म बिच उत्था दा इंस्पेक्टर ते एक सिपाही गिरफ्तार हो गए। और जिशान साहब? जिशान को एक बंदा अपने नाल कहन के चला गया सा, अलबत्ता डीएसपी साहब थाने नहीं गए। चलो इसी बहाने उस बच्चे की जान तो छुट्टी है ना। ठीक आते हो बेगम, मगर जिशान बेटा गायब है। किधर जुलनास कार ही गया उसी। अल्लाह करे तुसी जबान मुबारक हो, उसको अल्लाह अपने मान में रखन। चलो इसी बहाने असी उसते कार जुलदे रह सा। ठीक है ऐसा, तुसी ये गल बिल्कुल दिल को लगती है, बिल्कुल ठीक है। बाबा जान तुसी आराम नाल बैठो, मैं तुसे वास्ते चाह लेके आनी आ। देखा तुसा बेगम बेटी होवे ते मारुख नालो कितना ख्याल है अपने बाबा दा। जे मेरी जैसी ना होवे ते फिर? फिर फिर दा जवाब मैं ताई देसा बेटा के जदों तू फटाफट मेरे से चाड़। निशान बाबू हूँ तो दसों का टिकाणा भी कोई नहीं रहा, हूँ की कर सो। जिस तरह शहर में कोई कार नहीं होंगे वो सारे शहर का मालिक होंगे चाचा। मैं समझे ना, मतलब जिथे दिल लग जुले या जगह मिल जुले उथे ही रात गुजार के। कदू कदू तक इस तरह चल सी? जदों तक वो चाहिए। जिशान बाबू मैं थोड़े न बहस से ना कर दा, माड़ी हसीयत कम जरूर है पर दिले बिच बहुत जा है। मां पता है चाचा, और मां इजाजत दो उसे जोर से उठे। लाला नजीर दे कैफे ते जुल मैं थोड़े दर चक्कर लासा। ठीक है चाचा। मलिक साहब जिस तरह तुसां दा हुक्म है बिल्कुल उसी ते अमल कीता जी। किथे वे हुण मलिक साहब? मां ते उतना ही पता है जितना हुक्म है। रुस्तम तनु एक एक गल समझा समझा के मेरा दिमाग खराब हो गया, गल नु जरा समझा कर। गलती हो गई मलिक साहब, कदे हुक्म करो ते सारी तफसील। फिलहाल मनु ए पता होना चाहिए कि उसका किस किस जगह ते आना जाना है। ठीक है मलिक साहब, मेरे हस्ते और के हुक्म है? फिलहाल कुछ नहीं गा, तू जा सकता है। सलाम मलिक साहब। गलती हो गई है, हम क्या करें? कितने
ਕਿੱਥੇ ਜੁਲਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨਸ਼ੁਲਦਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ मैं तेरी मर्जी पर राजी हूं बस बस तू राजी हो जो मां माफ कर मेरे अल्लाह माफ कर नगर हर मुश्किल तो बाद आसानी है घर भी उन्नी पक्की गल फिर दो दिन तू कि पता करू ना लाले नजीर दे कैफियर के जो पोलत है हां पोलते नहीं अगता पर कदे ना आया ते फिर असै थी रहने पैसी हां और कुछ ना सेना फिर इथे मैं शायद जो अंदर चरपाई जा गया उठ ठीक गल भी सही के मारूह तुते कदे इस तरह सोचा ही नहीं कदे सोचा नहीं ते फिर आराम नल से ख्वाब ते ख्वाब हो देन सारी गल समझ आ गई है ना तुसी दोवे मेरे मां प्यो बन के रिश्ते वास्ते प्रोफेसर दे घर चुन सो अच्छा एक गल याद रखियो कि उथे कोई औंगी बोंगी नहीं मारनी तुसा दोवां कपड़े मिलजुल सुन
और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो राजा साहब। पता ते लग गया उसी है। जिस वेले राजा साहब फिक्र करता है ते फिर सामने वाले बेफिक्र हो जाते हैं। राजा साहब जिन्हां नाल तुसां दी लड़ाई हुई उन्हां दा की होया? जितनी गल हो गई है हुण चलो इत्थों। सलाम अलैकुम। राजा साहब गल सुनो जी, असी लोग ते बाजारे विच मूंह कड़ने जोगे ना रहे। ते बाजारे या चुलने दी जरूरत केड़ी है? और हुक्म भी नहीं, जिस वेले हुक्म मिलसी ते शौकी राजा कोई नहीं रोक सकता, ओए छोटी मोटी टक टुक ते लगी रहती है। राजा जी साख भी कोई शान दी है। वाह तेरी साख सहने ना। मां माफी चाहना राजा साहब। अच्छा तुसी इस तरह कर सो के कोई दिहाड़ियां वास्ते अंडरग्राउंड हो जुलसो, जिस वेले मैं बुलासा उसले आ जुलियो। चलो तुसी जुलो। उस्तानी जी मां शौकी राजा आखते एक गल मेरी कन खोल के सुन के, अगर तू मेरी ना बाणा की है ते शौकी राजा तुदा किसी दी बनने नहीं देता, किसी दी बनने नहीं देता। अब जी अच्छा नहीं किया। ओहो बेटा अल्लाह का लख लख शुक्र है कि तू बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरे से तो सब तो अच्छी खबर बस यही है। बाबा जी मैं सिशाना मुंह दसने के काबिल ना रहा। बेटा मैं दुनिया की ऊंच नीच तेरे को ज्यादा बेहतर समझता। अच्छा छोड़ तू मैं ये गल दस के जिशान उस प्यू घरों क्यों कड़े? जी वो एक जवान जात के करो करने नाल बेहतर होने के बजाय और बिगड़ जुलता है। बाबा जी प्लीज तुसी सिशान का पता करो वो किथे वे। वाह जी उस ते पीवा इतनी फिक्र नहीं जितने फिक्रमंद तुसी हो। कुछ मेहरबानी करो आज ही अस्पताल विचों डिस्चार्ज होके घरे पे जुलते हो। बाबा जी मेरा बदला के दया उसू अपना खून देता ते मैं उस से कुछ भी ना करा। अच्छा ठीक है कार जुलने आप कुछ सोचते हैं इस बारे में देख सा ना। चलो प्लीज। शुक्रिया। अभी बोला साहब मैं माजर चाहना हुआ तुम तकलीफ दी है लेकिन इसी दो वजूहत जी तुसी फरमाओ। हबीबुल्ला साहब तुसी मेरे सीनियर भी हो और मेरे से ज़्यादा तजर्बा भी रखते हो। जी एएसपी साहब तुसी गल करो। बुराई हर मैदान च अच्छाई दे रस्ते च कंडे बिछांदी है लेकिन जीत हमेशा अच्छाई नूं नसीब होंदी है। एक्चुअली इंस्पैक्टर अख्तर ने तुहाडे पुत्तर नूं अफजे में जाच रखा है। इंस्पैक्टर अख्तर ते एक सिपाही मौके ते गिरफ्तार हो गए। अगर तुसी इस केस च फरीक बनना चाहो ते नहीं नहीं एएसपी साहब तुसी उन्हां दे खिलाफ महकमाना कार्रवाई जारी रखो। मैं तुसां ते मुकम्मल एतबार है। इंशाल्लाह तुसां जे अच्छे अफीसर इस महकमे दियां कालियां पेड़ां खत्म कर सो। थैंक यू वेरी मच तुहाने साडे ते एतबार कीते। एक गल होर भी बड़ी इंपोर्टेंट हबीबुल्ला साहब तुहाड़े बेटे जिशान नूं जिसने बाजियाब कराया वो दिलावर खान का बंदा है। दिलावर खान के बंदे जिशान नूं बाजियाब कराया?
जी हाँ, कोई मजीद अपडेट्स आने दे मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ। जी शुक्रिया। थैंक यू। दिलावर खान। एक ही हो गए हैं यार। पीरू, ए लाला नजीर के थे वे? दो दिहाड़े ते रात भी थी गुजारी ने जी। मैं भी नाल ही हैं उन्हें दे। जिशान बाबू का इंतजार करते रहे हैं। आज कुछ तबीयत ज्यादा खराब है उन्हें दे ते अस्पताल गए ने। यार बड़े अफसोस थी गए। निका जा शहर तुसा किरे जिशान का पता नहीं लगे। यार उसा भी तो सोचना चाहिए है ना कि इतने असं सारे परेशान हाँ। तुसा तो पता ही है वो कितना खुददार आदमी है। और लाला नजीर भी आ गए ने। मेरा दिल आखता है यार आज शमरेज भी आसी ते गुलफराज भी आस। ओ लाला जी लगता है तुसा कफ सिरप को जा ज्यादा ही पीते दे। ओ लाला जी ओ के नाम है तुसा दा? काम बोले या बनेरे ते पता लग गया तुसी आसो। आओ जुल्ला। अवा मुल्ला मसीती भी हो सी आओ मुल्ला। इधर इधर। मेरे नाल हर बार इसी तरह होंदा है। क्यों किया बीबी जी? जिशान सर कितने? ओहो इस बीच फिकर दी केड़ी गल है? आज आ रहे सुन जिशान सर। उना मसला के बे? कोई मसला नहीं बीबी जी, कोई मसला नहीं। इंसान दिया लख मजबूरियां हो गई हैं। माली बाबा ये सारे झगड़े सारे मसले मुकाओ नहीं तो मैं अपने आप आ मुका छोड़ सा। इचिया गला ना करो बीबी जी। हुन मैं अमल कर सा ते तां तुसा यकीन आसी। ना बीबी जी ना, अल्लाह तुसा मेरी उम्र भी ला छोड़। तुसा दी कितनी उम्र होसी? इत्थे अल्लाह जानदा बीबी जी, पर मेरी कुल कायनात मेरिया जितनिया भी सावन तुसा दे कुर्बान। माली बाबा मां किसी दी चीज मांग के पाने दी आदत नहीं। लाला जी ये तो ज्यादती है। असल जशन रखदार ते मैं हां। तू जमादार, तेरा सारा खानदान जमादार। जिशान बाबू हूं पुत्र कड़ी जुलने की जरूरत नहीं, तू मेरे घर रह से मेरे कोल। लाला जी मैं जिथे हां उथे खुश हां। ते तू आजकल है के थे में? चल शहजादे तुदा मलिक साहब बुला ले। इसी तरह कर दे रहे? सारे पुत्र भी प्यू नाल इस तरह नहीं करते। जिशान पुत्र मेरे नाल जिद करके मां डक रखता है। इस गल विच ते कोई शक नहीं, हुण ते मां भी शौकत राजा नाल मिलने दा शौक पैदा हो गया। वेरी गुड रुस्तम, इसी गल मैनूं बड़ी पसंद आई है। साडा कितना सोहना मजहब है, हर चीज विच इत्तेदाल दा हुक्म। आखदे ने अकैडमी दा इफ्तिताह है। वही पूछना किसका निकाह है?